अखिलेश बात करते हैं विकास की और बाबा करते हैं धर्म के नाम पर बकवास की। नाम बदलकर राजनीति करने वाले आते हैं और चले जाते हैं। डायल 100 से डायल 112 कर दिया लेकिन गाड़ी के टायर नहीं बदल सके। कानून व्यवस्था को मजबूत करने वाले कानून व्यवस्था की गाड़ी का पहिया तक तो बदलवा नहीं पाए। धर्म के नाम पर बकवास करने वाले और काम के नाम पर नाम बदलने वाले आएंगे और आकर चले जाएंगे, मगर विकास की बात पर सुन्न पड़ जाएंगे। आज सहारनपुर में अखिलेश यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान उन्होंने न सिर्फ सहारनपुर की जनता के लिए कई बड़े वादे किए बल्कि भाजपा सरकार को जमकर घेरा भी। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी का जितना बड़ा नेता उतना बड़ा झूठ, छोटा नेता तो छोटा झूठ। भाजपा को अपना नाम बदल लेना चाहिए, भारतीय जनता पार्टी से भारतीय झूठ पार्टी कर लेना चाहिए। भाजपा संविधान और सम्मान के खिलाफ काम कर रही है। विकास की बात करने वाले अखिलेश यादव ने खड़े खड़े सहारनपुर की भूमि से सहारनपुर की जनता के लिए कई योजनाओं का ऐलान कर दिया और धर्म के नाम पर बकवास करने वाले बनारस की जेल में माफियाओं और अपराधियों के साथ 3-3 घंटे बैठ के कॉफी, बिस्कुट, नमकीन व ड्राई फ्रूट्स खाते हैं। यकीन नहीं होता तो आइए आज के भाषण में हम बताते हैं सहारनपुर की 7 सीटों के लिए 7 बड़े वादे जो आज अखिलेश यादव ने जनता से किए। सबसे पहले उन्होंने कहा कि अगर हम सत्ता में आए तो माँ शाकुंभरी देवी यूनिवर्सिटी में रोजगार देने वाले कोर्सेज शुरू किए जाएंगे जिससे सहारनपुर के नौजवानों को रोजगार मिलेगा। ये सहारनपुर जहाँ माँ शाकुंभरी देवी का मंदिर है, एक ऐसा स्थान है जहाँ पर न केवल उत्तर प्रदेश बल्कि आसपास के प्रदेशों की और देश के कई लोग आते हैं। मैं भरोसा दिलाता हूँ कि जो भी विकास कार्यों में अगर जोड़ करके हमें करना पड़ेगा तो विकास को आगे ले जाने का काम जहाँ एक तरफ माँ शाकुंभरी देवी का शक्तिपीठ है वहीं दूसरी तरफ देवंद है, तो ये कहीं ना कहीं हमारे जो गंगा जमुनी तहजीब का है, जो हमारी मिली जुली तहजीब है, जो संस्कृति है, उसको आगे बढ़ाने के लिए और सहारनपुर के लिए विकास के लिए अगर विशेष हमें करना पड़ेगा तो समाजवादी सरकार में हम लोग विकास को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। मेडिकल कॉलेज में PGI वाली तमाम सुविधाएं मुहैया कराई जाएंगी ताकि लोगों को इलाज के लिए किसी दूसरे शहर में ना जाना पड़े। कारीगरों को या आम लोगों को या सहारनपुर के लोगों को अपने इलाज और दवाई के लिए दूसरे प्रदेशों में भी जाना पड़ता है। कई बार एम्स है वहाँ तक जाते हैं, दूसरी तरफ PGI है वहाँ तक पहुँचते हैं। जो समाजवादी सरकार में बना था मेडिकल कॉलेज शेख उल हिंद मेडिकल कॉलेज, उसको कम से कम ऐसा बनाया जाएगा जिससे सहारनपुर आसपास के लोगों को दूसरे प्रदेश में दूसरी संस्थाओं में इलाज के लिए न जाना पड़े। समाजवादी सरकार की कोशिश थी कि जो सुविधाएं PGI में मिलती हैं, जो सुविधाएं बड़ी बड़ी संस्थाओं में मिलती हैं, अगर जगह जगह जो मेडिकल कॉलेजेस बने हैं उनमें भी वो सुविधा मिलेगी तो बहुत सारे हमारे गरीबों की मदद हो सकेगी, इलाज और दवाई का इंतज़ाम हो सकेगा। जहां लोगों को सुविधा दे रहे थे वहीं मुझे याद है कि अक्सर जितने भी मेडिकल के स्टाफ के लोग हैं वो ये मांग करते थे कि जो PGI में है, जिस तरीके से PGI में KGMU में लोहिया इंस्टीट्यूट में या SFI में जो वेतन या उनके लिए सुविधाएं दी हैं वो हमारे मेडिकल कॉलेज में भी दिया जाए। मैं आपको भरोसा दिलाता हूं क्योंकि यहां पर बहुत सारे स्टाफ की कमी है, डॉक्टर्स नहीं हैं, जो पर्याप्त नर्सेज होने चाहिए, जो पर्याप्त और टेक्निकल स्टाफ होना चाहिए वो नहीं है। अगर हमें स्टाफ और टेक्निकल स्टाफ को वही सुविधा देनी पड़ी जो PGI की हैं, उस स्टाफ के लोगों को वो भी सुविधा देने का काम होगा। सिंचाई की बिजली के लिए कोई पैसा नहीं देना होगा, किसानों के लिए सिंचाई मुफ्त दी जाएगी। हमारे किसानों के लिए सिंचाई मुफ्त होगी, किसानों को कोई पैसा सिंचाई का देना नहीं पड़ेगा। पुरानी पेंशन फिर से बहाल होगी। इसी तरह लगातार कर्मचारी जो सरकारी हैं, समय समय पर पुरानी पेंशन को बहाल करने के लिए और पुरानी पेंशन के लागू करने के लिए लगातार वो आंदोलन कर रहे थे, लगातार वो पॉलिटिकल पार्टीज़ के लोगों से समय समय पर मिले हैं। समाजवादी पार्टी ने तय किया है सरकार बनने के बाद गठबंधन की सरकार जो होगी उसमें
जो पुरानी पेंशन बहाल हमारे कर्मचारी चाहते हैं, समाजवादी सरकार बनने पर पुरानी पेंशन बहाल करने का काम किया जाएगा। वुड्स क्राफ्ट डेवलपमेंट एक्सपोर्ट प्रमोशन फर्म बनाकर कारोबारियों और कारीगरों की मदद की जाएगी कि समाजवादी सरकार बनने पर वुड क्राफ्ट डेवलपमेंट एक्सपोर्ट प्रमोशन फॉर्म बनाई जाएगी, जिससे कि जो कारोबार है उसकी मदद कर सकें, कारीगर की मदद कर सकें। समय समय पर अगर कारीगरों को ट्रेनिंग देनी पड़ेगी, क्योंकि आज इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स या इंटरनेशनल जो डिज़ाइंस हैं लगातार बदल रही हैं, उनके लिए भी अगर कारीगरों को समय समय पर ट्रेन करने के लिए व्यवस्था बनानी पड़ेगी, तो समाजवादी सरकार में उनको मदद करने का काम करेंगे। इसी तरीके से दुनिया में बहुत सारी एग्जीबिशंस होती हैं, क्योंकि हमारा कारीगर छोटा कारोबारी उन एग्जीबिशंस तक नहीं पहुंच पाता है, उनके अनुभवों को अपने साथ नहीं जोड़ पाता है। इसलिए अगर एग्जीबिशंस के लिए भी कारीगर और कारोबारियों को सरकार की तरफ से सपोर्ट करना पड़ेगा, तो सपोर्ट करने का काम समाजवादी सरकार में होगा। वहीं मैं ये कह सकता हूँ, वुड कार्विंग को लेकर के जो मशीनों को देने का काम है, चाहे वो हमें स्टेट गवर्नमेंट से मदद करनी पड़े या कोई फाइनेंशियल सपोर्ट करना पड़े, तो वुड कार्विंग की अगर मशीन्स को लेकर के गवर्नमेंट के लेवल पे भी अगर मदद करनी पड़ेगी तो करने का काम करेंगे। एक्सपोर्ट ज़्यादा से ज़्यादा हो, क्योंकि वर्ल्ड ओवर पहले से यहाँ के एक्सपोर्टर्स और कारोबार करने वाले दुनिया के बहुत सारे देशों में पहले से ही भेजते हैं, डिमांड बहुत है। इस तरीके से जो इंटरनेशनल चीज़ें बदल रही हैं, डिज़ाइंस बदल रही हैं, बहुत सी चीज़ें बदल रही, इसलिए समाजवादी पार्टी ने तय किया है कि वुड क्राफ्ट डेवलपमेंट एक्सपोर्ट प्रमोशन फॉर्म बना करके इनको सपोर्ट और मदद करने का काम समय समय पर होगा। 15 दिन में गन्ने का भुगतान किया जाएगा। इसके साथ ही सहारनपुर से लखनऊ 5 घंटे में पहुंचने के लिए शानदार सड़कें बनाई जाएंगी। किसान लगातार आंदोलन करता है, जो गन्ना का भुगतान है समय समय पर किसान को मिलों के सामने या अधिकारियों के सामने धरना देना पड़ता है, सरकार तक अपनी आवाज़ पहुंचानी पड़ती है। इसलिए समाजवादी पार्टी ने तय किया है कि किसी तरह का अगर कॉर्पस फंड बनाना पड़ेगा, फार्मर्स कॉर्पस फंड बना करके हमारे किसानों को कभी भी धरना नहीं देना पड़ेगा, 15 दिन के अंदर उनका भुगतान कराने का काम सरकार में होगा, जिससे कि किसानों के बीच में सीधा सीधा धन पहुंचे, उनके गन्ने का भुगतान हो जाए। इसके साथ साथ बहुत और योजनाएं भी हैं जिनको हम लोग सरकार बनने पर लागू करेंगे। एमएसपी का सवाल है, एमएसपी को निश्चित करेंगे कि हर फसल की एमएसपी मिले, और साथ ही साथ खरीद से लेकर के और मंडी को अगर पहले से व्यवस्थित करेंगे तो हमारे किसानों को लाभ होगा। और अंत में 300 यूनिट बिजली भी फ्री दी जाएगी। देश में सरकार बनाएगी तो 300 यूनिट घरेलू बिजली फ्री होगी। साथ ही साथ इसके साथ ही उन्होंने कड़े शब्दों में जनता को ये भी संदेश दिया कि जो कानून व्यवस्था को तोड़ेगा वो समाजवादी पार्टी को वोट ना दे। बाबा के कई जुमलों का पर्दाफाश करते हुए अखिलेश यादव ने कहा कि योगी आदित्यनाथ ने सहारनपुर में किसी को भी टैबलेट या लैपटॉप नहीं दिया, क्योंकि वो खुद लैपटॉप चलाना नहीं जानते। 10 मार्च को बाबा जा रहे हैं